अभी क्वेश्चन नंबर 7 जो है 3B का, इसमें विच ऑफ दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, कौन से नंबर को 9 से डिवाइड होता है वो देखना है, ठीक है। अब 9 की टेस्ट क्या है, सम ऑफ डिजिट करना, मीन्स जो आपको नंबर दिया है उसके डिजिट की प्लस करना। तो इसका प्लस कितना होगा, इसका होगा 18, ठीक है। तो इसका प्लस कितना हुआ, 18 हो गया। अब 18 को होता है क्या 9 से डिवाइड, यस, 9 वन 9, 9 टू 18, तो 18 से होता है डिवाइड। तो यहाँ पे देखो 18 आ गया ना सम, अब 18 को 9 से होता है डिवाइड, 9 टू 18, मतलब कि यहाँ पे लिखा इसलिए देयरफॉर 18 इज अ डिविजिबल 9, ओके। अब 18 को होता है डिवाइड, सम को होता है डिवाइड, मतलब कि पूरा नंबर जो है ना इसको भी 9 से डिवाइड होगा, तो इसलिए आप लिखा 639 इज अ डिविजिबल बाय 9, ओके। तो ऐसे आपको करना है, हर बार सम कर लेना, सम को डिवाइड होता है तो डिवाइड लिखना होता है करके, और अगर होता है तो फिर पूरे नंबर को भी डिवाइड होगा 9 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड वाला नंबर है 8036, पहले सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू कितना आएगा, 8 + 0 + 3 + 6 इज अ 17, ठीक है। अब 17 को होता है कि डिवाइड, 17 को 9 से होता नहीं, इज नॉट, ठीक है, 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो अगर इस 17 को नहीं होता तो मतलब पूरे नंबर को भी नहीं होता, देयरफॉर 8036 इज नॉट, क्या आएगा, इज नॉट डिविजिबल बाय 9, ओके। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। उसके बाद देखो जो दिया है आपके थर्ड नंबर का 50176, उसके बाद फोर्थ नंबर का 29304, उसके बाद 38457। तो ये आपको क्या है, होमवर्क के लिए है, ठीक है। तो हर बार क्या करना है, आपने सबका प्लस करना, अगर प्लस मतलब सम को अगर डिवाइड होता है 9 से तो कंप्लीट नंबर को 9 से होता है, और अगर सम कर दिया, सम को अगर डिवाइड होता नहीं 9 से तो कंप्लीट नंबर को भी 9 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क के लिए 3-4-5।